पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मुंबई में मंगलवार 20 अगस्त को सद्भावना दिवस संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिवसेना यूपीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए थे। उन्होंने इस कार्यक्रम में कांग्रेस की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ समय के लिए कांग्रेस का पटका तक पहन लिया था। कांग्रेस का पटका पहने उद्धव को देखकर लगा कि वो अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस का पट्टा पहनने का जिक्र खुद उद्धव ठाकरे ने भी किया। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष ने कहा, आज मैंने भी खुद को ही चुटकी काट कर देखा कि मैं सही में कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुआ क्या। फिर मैंने वह कांग्रेस का स्कार्फ पहना, जानबूझकर पहना ताकि कल इसका फोटो आए। मैं कांग्रेस का विरोध पहले करता था, पर बदले की भावना द्वेष मन में नहीं था। भाजपा महाराष्ट्र ने लिखा, उद्धव ठाकरे की कांग्रेस में सार्वजनिक एंट्री। सत्ता के लिए बेचैन उद्धव ठाकरे न केवल कांग्रेस की गोद में बैठते हैं, बल्कि अब उन्होंने कांग्रेस का दुपट्टा भी स्वीकार कर लिया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने सदैव कांग्रेस विचारधारा का विरोध किया। उनका दृढ़ संकल्प था कि मैं अपनी शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे सब धूल धूसरित हो गए, सिर्फ सत्ता के लिए हिंदुत्व और भगवा दिया और कांग्रेस के गले में पट्टा बांध लिया। उद्धव ठाकरे आपके उरला सुरला उभाटा ग्रुप का, लेकिन कांग्रेस में विलय। इसका मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। उद्धव ठाकरे पर तंज करते हुए बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने बाला साहेब ठाकरे का पुराना वीडियो दिखाते हुए लिखा, गले में परजीवी कांग्रेस का पटका पहनकर उद्धव ठाकरे ने ना सिर्फ बाला साहेब ठाकरे का अपमान किया, बल्कि भगवा की भक्ति, हिंदुत्व की शक्ति, शिवाजी महाराज की राष्ट्रवादी सोच और हर पल देश द्रोहियों का विरोध वाला विचार त्यागने का खुला ऐलान कर दिया है। सूर्य प्रकाश मैथिली ने लिखा, उद्धव ठाकरे अपना वर्चस्व मिटा के कांग्रेस के पिछलगू बन गए हैं, जो अपने पिता के वसूलों पर नहीं चलते। उसकी यही दिशा होती है कि दूसरे के पैर धोने पड़ते हैं, जैसे आजकल उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। ओमकार चौधरी ने लिखा, बाला साहब ठाकरे की आत्मा को सार्वजनिक कष्ट किसी ने पहुंचाया है तो वो उद्धव ठाकरे हैं। जीवन भर वो कांग्रेस का विरोध करते रहे, पर उद्धव कांग्रेस की चौखट पर बैठे हैं। वो सहर्ष कांग्रेस का पटका भी स्वीकार कर रहे हैं। कार्यक्रम में एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, राजीव गांधी पर बाला साहब कड़ी टिक्का टिप्पणी करते थे, पर तब कभी हमारे घर ईडी सीबीआई नहीं आई थी। राजीव गांधी ने कभी बदले की भावना से राजनीति नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब और पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद से निपटने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा कि राजीव गांधी चुनौतियों से निपटने में कभी नहीं कतराते थे और साहसपूर्वक उनका मुकाबला करते थे, लेकिन अब रवैया यह है, मणिपुर और कश्मीर को जलने दो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।